ये स्टूडेंट्स, इज देर एनी टॉपिक दैट यू वॉन्टेड मी टू एक्सप्लेन अगेन? एनी डाउट और एनी सेक्शन विच इज नॉट क्लियर? एनी टॉपिक? तो रिवीजन कर सुष्मिता, से अगेन, प्लीज से अगेन. मैम, रिवीजन रिवीजन रिवीजन. ओके, यस यस, वी विल डू, वी विल डू. लेट मी प्रेजेंट माई स्क्रीन एंड आई विल बी कवरिंग ओनली टू टू टॉपिक्स टूडे, देन आई विल बी फोकसिंग ऑन रिविजन पार्ट. राइट, वट वी हैव डन सो फार, हाउ यू हैव टू गो अबाउट द क्वेश्चन, राइट, वट यू आर सपोज टू राइट डाउन इन अ प्रिसाइज एंड कंसाइज मैनर. आई विल डिस्कस वंस दिस दीज टू टॉपिक्स आर ओवर. राइट, यस, जस्ट अ मिनट, जस्ट यस. अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बताइए ना एक बार. अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज व्हिच आर ड्यू टू सर्टेन रीजंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट. सो बाय एनी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट चैलेंज्ड. मतलब अब वो उसको आप उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. जैसे कि कुछ लॉ थे, वो लॉ खत्म कर दिया मान लीजिए, तो वो लॉ जो पुराने वाला जिसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बने हुए थे वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे. अब वो आप नए कॉन्ट्रैक्ट, नए एक्ट के अकॉर्डिंग आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब वो इन्फोर्सिएबल होंगे. फॉर एग्जाम्पल फेरा, कि फॉरेन एक्सचेंज में देर वॉज अ टाइम कि जब गवर्नमेंट कह रही थी मैक्सिमम एक्सपोर्ट करो, फॉरेन करेंसी आनी चाहिए, बट रेगुलेशन बहुत थे. कस्टम क्लियरेंस में टाइम बहुत लग जाता था, एक बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लेने में टाइम बहुत लग जाता था. तो एक लॉ था फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. अब उसके अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, जब वो लॉ खत्म हुआ तब एक नया लॉ आया उसके जगह पे, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, कि अब टाइमिंग हैज टू बी रिड्यूस्ड. टाइमिंग रिड्यूस होगा तो पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, फॉरेन करेंसी इंडिया में ज्यादा आएगी. तो फेरा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फेमा. सो व्हेनेवर दैट इज डन, दैट इंश्योर्स दैट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फेरा नाउ आर अनइनफोर्सिएबल. वो उसको आप जो है नहीं कर सकते हो, बट इनफोर्सिएबल अब फेमा के अकॉर्डिंग वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जब दोबारा से उसके अंडर आ गए, इट इज नोन एज इनफोर्सिएबल. बट जो फेरा के अंडर थे दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर अनइनफोर्सिएबल. मान लीजिए उसके अकॉर्डिंग आपकी कहीं पेमेंट स्टक हो गई, आपने फेरा के अकॉर्डिंग अपना कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं किया, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एज पर ओल्ड लॉ कैन नॉट बी चैलेंज इन द लॉ, कैन नॉट बी चैलेंज इन द आईज ऑफ लॉ. सो दैट इज अनइनफोर्सिएबल. राइट बच्चे? यस मैम. ओके, एनी अदर टॉपिक, एनी अदर डाउट? स्टार्ट रीडिंग बिकॉज दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट, एंड बिलीव यू मी, वट एवर टॉपिक्स वी हैव डिस्कस्ड दोज विल बी कमिंग इन एन इनडायरेक्ट फॉर्म. दिस इज अ मास्टर्स लेवल एग्जाम, सो दोज थिंग्स एज एन एग्जाम्पल, एज ए टॉपिक आई हैव रिपीटेड मेनी अ टाइम्स. So certain questions are such which I have focused on a great length. Yes, this could be the one question how you have to write it down. Writing down for the 5 marks is very, very precise and concise. It is not 15 marks. Normally, the question which I have given you has to be very, very specific. Otherwise, if you will treat your first question as 15 marks, you will keep on writing for 4-5 pages. You will lose at the end by not attempting 2 questions. तो बेटर ये रहेगा कि आप 10 मिनट्स की एक डेडलाइन सेट करके चलिएगा अपने माइंड में कि 10 मिनट्स एंड मैक्सिमम 2 पेजेस से ज्यादा मुझे नहीं लिखना. 1-1.5 पेज इज मोर देन सफिशियंट. ठीक लिखा हो, प्रिसाइज हो, कंसाइज हो, तभी 5 में से 4 and 4.5 भी मिल जाएंगे. ज्यादा लिखा हो और कोई टॉपिक के रिलेटेड नहीं लिखा है तो 5 में से 2 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे. जितना ज्यादा आप स्पेसिफिकेशन यूज करोगे उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे बच्चे. सो लेट मी टेल यू द फॉर्मेट. 5 questions आर देयर, 5 you have to attempt. दोज 5 are most important questions which we have discussed many a times in the class. I'll be focusing on revision parts and tell you the topics which you have to focus on most important basis, and accordingly you have to manage other part. Okay, so let me just focus on this. Let me show my screen. Yes, so that we could complete only 2 topics of the day, and rest I will be focusing on revision part. Any other thing you wanted to say or you wanted to focus upon? Yes. मैम, एक कंसिडरेशन टॉपिक में थोड़ा दिक्कत है.
कंसिडरेशन में बताइए. कंसिडरेशन इज समथिंग वैल्यू इन रिटर्न. So that may be past, present, or future. Consideration is maybe even less than this, but consideration must be there. अगर consideration नहीं है तब वो contract valid नहीं माना जाएगा, वो voidable हो जाएगा. So consideration किसी चीज की ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, past में हो सकती है, future में हो सकती है, present में हो सकती है. Consideration has to be there for making a contract valid. If in that case consideration is not there in the contract, that contract is not a valid contract in the eyes of law. जैसे कि एक father अगर अपने son को बोल रहा है कि yes I will be giving you 2000 per month as pocket money, okay, fine. So these kinds of contracts are just created out of love and affection. किसी month वो भूल गया या नहीं दे पाया तो that is not a valid contract to be challenged upon. या आप उसको कोर्ट का दरवाजा दिखा दोगे, कोर्ट में चैलेंज कर दोगे और कार्यवाही शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होगा. बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड. बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वेयर बाय दिस इज वैलिड, विच आर बेस्ड ऑन फिड्यूशरी रिलेशनशिप, विच आर बेस्ड ऑन लव एंड अफेक्शन बेस्ड, राइट? यस दीपक. मैम आपका मतलब ये कंसीडरेशन होना चाहिए चाहे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, कुछ भी हो जाए, कम या ज्यादा. कम या ज्यादा, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, कोई भी कंसिडरेशन हो चलेगा, वो वैलिड माना जाएगा. ऐसा नहीं है जैसे कि अगर किसी ने पीछे कह दिया कि मैंने तुम्हें उसमें ज्यादा दिया था, तो यस इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मे बी पास्ट इन नेचर, कि जो दे चुके हो उसके बदले में आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, यस इट इज वेरी मच राइट. कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो आप जो है उसके बदले में हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके मैम. Okay, any other doubt, any other topic? Okay, fine. So let us talk about this. I was talking about discharge. Please understand, when we talk about discharge, discharge by agreement is number two. What was number one? Yes, by performance. Performance kya hai? Actual and attempted, right? Just a minute. So agar kisi ne एक्चुअली दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिया, कंसिडरेशन इज डन, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, लॉ भी उसको कंप्लीट मानेगा. बट अगर किसी प्रोमिसर ने अपना ऑफर तो किया बट प्रोमिसी ने कहा नो, प्रोमिसी रिफ्यूजेस, तब भी ये माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड. सो बाय परफॉर्मेंस में देर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वन इज एक्चुअल, अनदर इज अटेम्प्टेड. ओके, सेकेंड पार्ट इज बाय एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में देर आर दीज सिक्स टॉपिक्स. वन इज नोवेशन. एग्रीमेंट का मीनिंग समझिए सबसे पहले, कि पार्टीज ने आपस में कुछ सलाह मशवरा किया और वो कुछ किसी चीज के लिए मान गए. कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, एग्रीमेंट साइन हुआ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई, पार्टीज ने साइन किए, उसके बाद एफिडेविट साइन हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल टर्म में बन गया. कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद दोनों पार्टीज को कुछ लगा कि चेंज करना चाहिए. सो म्यूचुअली दे हैव एग्रीड अपॉन समथिंग. फिर जो चेंज आएगा वो चेंज छह तरह से आ सकता है, बट ये माना जाएगा पुराना कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, पुराना कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. अगर नया कुछ इन इन इनमें से कुछ भी ऐसा आता है, इन सिक्स में अगर कोई भी इन सिक्स में से चेंज आता है, ये माना जाएगा पुराना कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट. So parties have agreed on to something by giving it as a consent, which is pre-consent. तो बोथ पार्टीज आर रेडी. तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की बजाय ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे विच आर ऑफ सिक्स नेचर, वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी इज ओवर. जैसे कि नोवेशन. नोवेशन मींस जस्ट यू आर गोइंग टू रिप्लेस योर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. कुछ आपको लगा कि यस, ए ने बी को बोला कि आई हैव टू सप्लाई यू 100 शर्ट्स. ठीक है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ये है, A will be supplying shirts to B. अब उसके बाद A ने अगर अपना contract C को दे दिया, so there is a change in the party. That change in the contract is called novation. Any change, either in the parties or in the shirt or in the amount or different parties, it may be like original contract has been replaced by a new contract. Novation means नया contract आ गया. अब पुराना contract cannot be challenged by any party. क्यों? क्योंकि दोनों ने उसमें सलाह मशवरा देके अपनी राय दी है. जब उन दोनों को ही एग्री है तब ऐसे नए कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं नोवेशन. इज इट क्लियर बच्चे? यस, इज इट क्लियर?
यस मैम। ओके नोवेशन। यस यस बच्चे। सॉरी इंटरप्ट किया। कौन से टॉपिक तक एक मैंने लास्ट क्वेश्चंस आएंगे, मतलब एक टॉपिक अब थोड़ा सा डिस्चार्ज तक, ये वाला डिस्चार्ज तक बच्चे। मैं आज अभी इसके बाद रिवीजन करवाऊंगी मैं आपको, तो मैं बता दूंगी डिस्चार्ज तक आपका आएगा। हाँ, बिल्कुल, मैंने फ्रॉड जो जो सब आपने पढ़ा है सब कुछ ही आएगा पहले से। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट ऑफर एक्सेप्टेंस है ना, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट, वो जो मैंने 9 पॉइंट्स करवाए थे वो। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन फ्री कंसेंट माइनर वाला टॉपिक एंड डिस्चार्ज। मेजरली आपके 6 टॉपिक्स आएंगे मेजरली, यानी कि आपको कैपेबिलिटीज में माइनर पोजीशन वो मैं आपको रिवीजन में बताती भी। यस, ये यहाँ तक आपका टॉपिक आएगा राइट। आप एक बार जस्ट पहले से जो टॉपिक आएगा ना एक बार स्लाइड जैसे ये कर दीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं आपको है मेरे पास फिर भी मतलब अगर कुछ रह जाए तो नो इश्यू। मैंने इस टॉपिक के बाद आपको रिवीजन ही करवानी है। मेरे को लगता है मैं एग्रीमेंट तक ही करवा पाऊंगी, ये 4 टॉपिक अभी नहीं हो पाएंगे। तो एग्रीमेंट लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद आपके डाउट्स, आपको पढ़ना कैसे है, टॉपिक कैसे करना है, लिखना कैसे है, दैट आई एम गोइंग टू फोकस टूडे। ओके 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 ओके। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एज ए एग्रीमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड डिस्चार्ज। यस, डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट का मतलब है पार्टीज आर रेडी टू चेंज समथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जब चेंज आएगा तो चेंजेस मे बी ऑफ 6 टाइप्स। फर्स्ट चेंज इज नोवेशन, दैट मींस ऑल्टोगेदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट, मे बी बाय द सेम पार्टी, मे बी बाय द डिफरेंट पार्टीज, ऑल्टोगेदर न्यू कॉन्ट्रैक्ट। So they are cancelling the old contract and they are making the new contract with the same or different parties. That is novation. Second change is recession. That means certain changes whereby they are cancelling that, okay, you have not to perform anything. वो नया contract नहीं बना रहे हैं, वो नया नहीं बना रहे हैं, पुराना कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि किसी एक पार्टी ने कुछ काम ठीक से नहीं किया या किसी पार्टी का कुछ इनकैपेसिटी हो गया। यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड रिसेशन, नोवेशन में पुराना कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड एंड न्यू इज फॉर्म्ड, बट रिसेशन में ओनली ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, न्यू इज नॉट फॉर्म्ड। सो पार्टीज आर कैंसलिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, दैट रीजन मे बी नंबर वन कि पार्टीज हैव चेंज देयर माइंड कि नो वी डोंट वॉन्ट टू, इट इज कंसेंट बेस्ड, प्लीज अंडरस्टैंड। दोनों पार्टीज आर गिविंग कि ये सब कैंसिल कर देना चाहिए। सेकेंड इज वन पार्टी इज फेलिंग टू परफॉर्म द राइट, जैसे एक सिंगर को गाना गाने के लिए बुलाया उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं लगी, तो यस इट मे बी कैंसल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि ठीक है कैंसल कर देते हैं, नया नहीं बनाया। वट इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नोवेशन में न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच चैलेंजेबल, रिसेशन इज ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। सो पार्टीज आर फ्री नाउ, पार्टीज आर फ्री फ्रॉम देयर ड्यूटीज, पार्टीज आर फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दैट इज ट्रीटेड एज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, उन्होंने कैंसिल कर दिया। गॉट इट बच्चे? यस, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, alteration, alteration is something हम समझ सकते हैं, somewhere we are very much bound by this word, whenever we speak of alteration, the word which is striking to our mind is changing, इसको alter कर देना, you are buying a kurta from the market and आप shop, tailor के पास जाके बोलते हो इसको alter कर देना, that means changing, certain changes, right? Similarly, when one or more terms are just changed in the original contract, That change contract is called alteration contract. यानी कि कोई नया contract नहीं बनेगा, पुराना contract cancel नहीं होगा, but कुछ terms and conditions हैं जो कि अब वो mutually change करना चाह रहे हैं. So that kind of change is called alteration.
रिमेंबर इट इज द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय ऑल द पार्टीज आर मेकिंग द चेंजेस साइमल्टेनियसली बाय एग्रींग टू ईच अदर. एग्रींग का मतलब है देयर इज कंसेंसस एड इडम. मैं बार बार इस वर्ड को बोलती हूँ कि वो दोनों फ्रीली एक चीज को मान रहे हैं. देर इज नो प्रेशर. वहां पे जहां प्रेशर आ गया वहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल हो गया. प्लीज अंडरस्टैंड कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस मिस्टेक मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड ये सब नहीं है इन कॉन्ट्रैक्ट में. ये वाला फीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये जो भी छह चेंजेस आएंगे ना दीज आर द चेंजेस विच आर मेड बाय द पार्टीज विद ईच अदर बाय म्यूचुअल कंसेंट. म्यूचुअल मीन्स द कंसेंट इज गिवन टू ईच अदर राइट. सो ऑल्टरेशन इज दैट इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस आर चेंज्ड. हो सकता है एक टर्म जैसे कि आई गिव यू एग्जांपल. ए ने बोला कि मुझे 100 शर्ट देनी है आपको बाय रेलवे डिलीवरी. उन्होंने कहा कि अब तो रेलवे बंद हो गई हैं तो थोड़ा सा चेंज ले आए. ओके ओके राइट डाउन इंस्टेड ऑफ रेलवे यू विल बी प्रोवाइडिंग मी शर्ट बाय एनी मोड. तो मोड चेंज किया. देखिए रेलवे से उन्होंने कहा जो आपको कन्वीनियंट है उससे भिजवा दो. तो दैट इज समथिंग अल्टरेशन. आज आपने कोरियर की सर्विसेज ले ली डीटीडीसी से. आपने बोल दिया कि यस आपको जो मुझे माल भिजवाना है वो डीटीडीसी से भिजवाना है. अब जो एक चेंज आना चाहिए डीटीडीसी कंपनी बंद हो गई. आपको लगा कि अब मैं दूसरे कोरियर सर्विस से करवा दूं. तो आपने सिर्फ एक टर्म चेंज की क्या कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी डिस्पैच्ड नॉट बाय डीटीडीसी बट बाय दिस. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अल्टरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. So when there are certain terms and conditions between the original party are changed. So no new contract, no contract is cancelled, only few terms and conditions are changed. Yes, bache. Is it clear? Yes, ma'am. So तीनों में difference clear हुआ. Novation में नया contract बनेगा ही बनेगा, ये confirm है. Recession में सिर्फ cancel ही होगा. Alteration में कोई नया contract नहीं, कोई cancellation नहीं, और सिर्फ change आएगा terms and conditions में. That is basically under section 62. ये एक तरह के ही हैं. इनमें हल्का हल्का difference है, which you have to understand from the definition given. Novation is old contract is cancelled and new contract is formed. Or recession is old contract is cancelled and eventually there is no contract, new contract. Alteration is in the original contract, certain changes in the terms and conditions happened. Now, any doubt in these three? No, ma'am. Okay. फोर्थ इज no, रिमिशन. ओके बच्चे ओके. रिमिशन का मतलब है कि जस्ट लाइक आप कहते हो कि कभी आपने फी एप्लीकेशन रिमिटेंस का दिया होगा कि प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फी वेवर. हम कहते हैं ना कि थोड़ा हमारा कम कर दीजिए. हम नॉर्मली एक एप्लीकेशन लिखते थे, हम उनको बोलते थे कि येस वी आर इन टू दिस सिचुएशन एंड काइंडली रिमिट माई फी या हमारी फी का जो है थोड़ा सा पोर्शन कम कर दीजिए. नाउ रिमिशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज हैविंग सेम मीनिंग कि आपने थोड़ा लेसर, आपने कहा था 100 शर्ट्स भिजवा देना. नाउ द सिचुएशन इन द मार्केट इज वेरी वेरी स्लो. आपने उनको बोला 100 नहीं सप्लाई करने की जरूरत है, 50 ही सप्लाई करिए. सो यू आर एक्सपेक्टिंग लेसर परफॉर्मेंस. सो लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस इज नोन एज रिमिशन. सो वट एवर परफॉर्मेंस वॉज, वट एवर गुड्स वॉज टू बी सप्लाइड, लेस नंबर ऑफ गुड्स आर सप्लाइड, देन दैट इज नथिंग बट रिमिशन. रिमिशन इज वेन लेसर परफॉर्मेंस इज डिमांडेड एंड एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसी. प्रोमिसी पूरा कैंसिल नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वही है, टर्म्स एंड कंडीशन वही है, ओनली द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज चेंज्ड टू अ लेसर नंबर. राइट. सो क्वांटिटी अगर तो गुड्स आर मेजरेबल तो क्वांटिटी, अगर गुड्स आर नॉट मेजरेबल इफ इट इज अ सर्विस, सर्विस में आपने आवर्स कम कर दिया. आपने पहले बोला था कि 2 आवर्स के लिए आपको गाना गाना पड़ेगा, आपने बोला कि 1 आवर के लिए गाना पड़ेगा. तो जहां पे आपने थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम एक्सपेक्ट की कम कर दी, दैट इज नोन एज रिमिशन. रिमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टिंग ए लेसर परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी. राइट बच्चे, इज इट क्लियर बेटा? यस मैम. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट इज वेवर. वेवर मीन्स यू आर वेविंग ऑफ, खत्म कर रहे हो आप उस पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल रहे हो और आप उससे कभी भी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करोगे. सो वेवर का मतलब होता है किसी पर्सन को चैलेंज ना करने का राइट. सो एनी ऑब्लिगेशन वेयर बाय पर्सन इज गॉट गेटिंग फ्री बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. सो व्हेन
एनी पर्सन हैड टू परफॉर्म समथिंग यू आर मेकिंग हिम फ्री, दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेवर कॉन्ट्रैक्ट. आपने उसको फ्री कर दिया, वेव कर दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको फ्री कर दिया. सो वेवर मे बी ऑफ एनी एनी पार्टी विद द कंसिडरेशन विद द कंसेंट. जैसे कि ए ने अगर बी को सप्लाई करना था तो आपने जो है बी को फ्री कर दिया, बी की जगह पे ये सप्लाई करेगा, या जितनी पेमेंट लेनी थी ए से पेमेंट लेनी थी आपने उसको फ्री कर दिया और आप उससे पेमेंट लोगे. सो सच काइंड ऑफ फ्री ऑब्लिगेशन, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी पार्टीज हैं किसी एक पार्टी को अगर फ्री कर देते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दैट इज नोन एज वेवर. वेवर मींस व्हेन यू आर नॉट इंसिस्टिंग कि तुम्हें ये काम करना था, तुमने नहीं किया, मैं चैलेंज करूंगा. सो वेवर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दीज आर दोज कॉन्ट्रैक्ट. लेट मी टेल यू सर्टेन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट बेटे ऐसे होते हैं विच आर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर. एक हमारा होता है पैसिव पार्टनर. जस्ट ए मोमेंट. पैसिव पार्टनर ऐसे ही हमारे एक्टिव पार्टनर होते हैं. हमारे एक जैसे पार्टनर जितने भी होते हैं उनमें एक पार्टनर होता है पार्टनर बाय इस्टॉपल, यानी कि हम मान लेते हैं कि वो पार्टनर है. जैसे एक अगर कंपनी ने एक प्रोडक्ट का इंडोर्समेंट धोनी को दे दिया तो कहीं ना कहीं उस बैट की एसोसिएशन धोनी के साथ है. एमएस धोनी ने उसको प्रमोट कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, बट वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. सो प्लीज अंडरस्टैंड सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच वेयर बाय मेंबर्स आर एंटर्ड फॉर द सेक ऑफ मेंबर्स. दे आर नॉट सपोज टू परफॉर्म एनीथिंग. उनको एक वेवर राइट में दिया जाता है कि अगर ज्वाइंट प्रोमिसेस का केस होता है तो इवेंचुअली कुछ मेंबर सिर्फ नाम के लिए डाले जाते हैं. अब पब्लिक कंपनी तब तक बिजनेस स्टार्ट करेगी जब 7 members होंगे. 7 members में वो माइनर को भी डाल देते हैं, मेंबर हो सकता है. माइनर कैन बी ए मेंबर, माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी, माइनर कैन बी ए शेयर होल्डर, बट वो सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. तो अगर आपने जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कुछ मेंबर्स को अगर आपने फ्री छोड़ दिया कि वो कोई काम नहीं करेंगे, वो कोई ऑब्लिगेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो इन दैट केस दोज मेंबर्स आर कॉल्ड वेवर कॉन्ट्रैक्ट. सो वेवर में यू आर मेकिंग सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फ्री, यानी कि नॉट टू डिमांड एनी परफॉर्मेंस फ्रॉम देम, नॉट टू आस्क फॉर द कंसिडरेशन फ्रॉम देम. सो दैट इज नथिंग बट वेवर. इज इट क्लियर बच्चे? ओके. लास्ट इज मर्जर. मर्जर मींस व्हेन टू कंपनीज आर मर्ज्ड, इन दैट केस देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हेन द मेंबर्स, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर मर्ज्ड. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस अल्स्टॉम कंपनी, राइट, फ्रेंच की कंपनी थी, दैट हैज बीन मर्ज्ड विद जीई कंपनी, अमेरिका की कंपनी में मर्ज हो गई. अब जो अल्स्टॉम के कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिन भी पार्टीज के साथ, जिन भी इंप्लॉइज के साथ, वो अब सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किसके हो गए? जीई के. तो जीई की मर्जी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स को पैसा देके खत्म कर दे या कॉन्ट्रैक्ट को चलाता रहे. तो मर्जर के केस में अगर कोई इंफीरियर, जैसे अल्स्टॉम इज इन टू द इंफीरियर पोजीशन, क्यों? क्योंकि वो मर्ज हो गई जीई में. जीई इज ऑन द सुपीरियर पोजिशन, क्यों? क्योंकि उसने सारी कंपनी के सामान, आइटम्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, पेमेंट्स हैव बीन टेकन. सो व्हेन दीज आर सच नेचर, तो उस केस में सुपीरियर मे डिसाइड विच कॉन्ट्रैक्ट टू कीप ऑन, विच कॉन्ट्रैक्ट टू कैंसल ऑन. तो जीई की मर्जी चलेगी. जब अल्स्टॉम का अपना बिजनेस सारा का सारा मर्ज हो गया जीई में, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितनी भी पार्टीज होंगी, दे विल कम अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट मर्जर. सो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा भी तो भी नया बनेगा, बट विद जी कंपनी. नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस. नोवेशन में पार्टीज मे बी सेम, मे बी चेंज, बट नया कॉन्ट्रैक्ट. रिसेशन में आप पार्टीज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, दे हैव कैंसल्ड द कॉन्ट्रैक्ट. अल्टरेशन में जस्ट चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट, टर्म्स एंड कंडीशन में एक या दो चेंजेस हैं, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट. रिमिशन में यू आर एक्सेप्टिंग सर्टेन लेस परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन. तो इनस्टेड ऑफ सप्लाइंग 100 shirts, 50 shirts आर सप्लाइड, दैट इज रिमिशन. दोनों पार्टीज बोली येस, मैं भी अभी कमी बनाऊंगी क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, तो आपको भी कमी सप्लाई करूंगी. दूसरा कह रहा है कि मेरे को भी रखने की टेंशन हो जाएगी, मुझे 50 shirts भेजना. दोनों की रजामंदी के बाद ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. सो दैट इज रिमिशन. वेवर इज किसी एक पार्टी को फ्री ही कर दिया,
तो फ्री का मतलब है कि अगर आपके मान लीजिए तीन पार्टी थी ए बी सी, और ए और बी ने बोला कि सी को फ्री कर देते हैं, सी भी इस चीज को रेडी कर रहा है कि यस मैं आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, वैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड ही है, पार्टीज में से एक पार्टी को फ्री करना इज कॉल्ड वेवर। मर्जर में नई कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, सुपीरियर जिसके पास राइट होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट है टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट टू कीप द कॉन्ट्रैक्ट। तो नाम भी चेंज होंगे क्योंकि जो अल्स्टॉम के कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे के सारे किसके पास गए, जी के, तो कॉन्ट्रैक्ट नया बनेगा बट वो नोवेशन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पार्टीज की कोई मर्जर नहीं हुई है। अगर रीजन ये होगा कि मर्ज हो रहे हैं तो देन इन दैट केस न्यू फॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड मर्जर, यहाँ पे देर इज नो मर्जर। ओके, इज इट क्लियर बच्चे? यस तो मैम, ऑल ऑल सिक्स आर क्लियर। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज कमिंग इन द सिलेबस सो दैट आई कुड जस्ट फोकस ऑन योर दिस पार्ट, राइट? यस। नाउ लेट मी शो यू योर सिलेबस, राइट? जस्ट ए मिनट। यस, मीनवाइल आई विल बी टेलिंग यू हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जस्ट ए मिनट। यस यस। So far, we have just talked about legal aspects of business and this, right? Now, please understand, under this, as a topic-wise contract defined, yes, meaning and definition of contract is very, very important. Elements of valid contract are those which are done in the previous manner. Six, 9 points were there. Let me show you the slides also. So, this is something, yes. Yes, this nine. These are the essential elements of valid contract as per section 10. So ये जो 10 points हैं, इन्हीं के chapters बने हुए हैं. Please understand this. तो इनमें से यहां तक, that means legality of object, right? Legality of object तक हम कर चुके हैं. Discharge of contract को अगर आप छोड़ना भी चाहते हो, तो it is fine क्योंकि अभी दो ही मैंने केस करवाए हैं, बाकी के चार आर पेंडिंग. तो कैसे स्टार्ट करोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, दैट यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड दिस टॉपिक दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स में प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव कवर्ड। यस, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक वॉइड, वॉइडेबल, अनइनफोर्सेबल, जस्ट लाइक यू हैव आस्क्ड दीपक, अनइनफोर्सेबल। सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द आईज ऑफ लॉ, right? So these are the types of contract which you have to focus on and read upon. These are important types, right? Yes. Due to technical defect, that contract has become void, cannot be challenged. Cannot be challenged is unenforceable contract. Right, bache? Clear? Yes, ma'am. Okay. So yes, these are the types of contract. Offer. Types of offer is important. You may read it because those are certain caselets that I would be giving you and you have to focus accordingly. Then we have discussed about legal rules of offer. Then similarly, we have talked about this case which I have shown you a video also, right? Just Harvey ne kaha ki, can you send me your lowest price of that pen? Usne send kar diya. To send karne ka matlab ye nahi hai ki they have offered it. They just have sent. ऑफर तब होगी व्हेन दे आर सेइंग ओके फाइन, यू डू यू वांट दीज पेन्स, हाउ मेनी पेन्स, इन हाउ मेनी मंथ्स, इन हाउ मेनी डिलीवरीज। सो दीज काइंड्स ऑफ टॉक मस्ट बी मेड इन बिटवीन दिस पार्टी। सिर्फ हार्वे ने फेसे से पूछा कि तुम इसका मुझे लोएस्ट प्राइस बता सकते हो, उसने लोएस्ट प्राइस बता दिया। लोएस्ट प्राइस बताने से कोई ऑफर नहीं हो गया, राइट? यस। सो एक्सेप्टेंस, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्सेप्टेंस एंड लीगल रूल्स, राइट? देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कब मानी जाएगी कि वो वैलिड है? जब उस पर्सन के पास पहुंच गई और उसने पढ़ लिया। जस्ट लाइक आई हैव गिवन यू व्हाट्सएप एग्जाम्पल, इफ इट इज वन इट इज नॉट डिलीवर्ड, इफ इट इज टू सिग्नल बट नॉट सीन इट इज स्टिल, राइट? सो टू सिग्नल एंड सीन सिग्नल आर डिफरेंट। सिमिलरली जब आपने ऑफर किया है वो कब माना जाएगा कि वो ऑफर हो गया है? वेन दैट पर्सन इज रीडिंग अबाउट इट, राइट? कैंसिलेशन का भी इसी तरीके से, रेवोकेशन कब कैंसिल माना जाएगा? नाउ अंडरस्टैंड दिस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसीडरेशन। व्हाट इज कंसीडरेशन?
चाहे वो किसी काम को करने के लिए पैसा दे रहा है या नहीं करने के लिए पैसा दे रहा है, बट दैट इज कंसिडरेशन. सो इट मे बी पास्ट, इट मे बी प्रेजेंट, इट मे बी फ्यूचर, इट मे बी अमाउंट, इट मे बी मनी, इट मे बी वैल्यू, इट मे बी एनीथिंग इन रिटर्न, कुछ भी. इट मे बी एसेट ऑल्सो, कि आई टेक योर हाउस एंड विल गिव यू माई फैक्ट्री स्पेस. यस, इट इज कंसिडरेशन, राइट? बार्टर सिस्टम इज ऑल्सो कमिंग अंडर कंसिडरेशन. लीगल रूल्स, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था कि दीज आर द रूल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म ए कंसिडरेशन, राइट? इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. इट मस्ट हैव सर्टेन वैल्यूज. इट मे बी रियल सर्टेन और इम्पॉसिबल, राइट? पॉसिबल, सॉरी. सो ऑल दीज लीगल रूल्स वी हैव डिस्कस्ड, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. यू मस्ट अंडरस्टैंड माइनर पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंटली. माइनर पोजिशन में देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन कम एज ए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, केसलेट टाइप क्वेश्चन. सो यू शुड अंडरस्टैंड कि दीज थ्री पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट. या तो वो अगर मेजर नहीं है तो वो नहीं कर सकता, अगर उसका साउंड माइंड नहीं है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अगर उसको लॉ ने डिस्क्वालिफाई कर दिया है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. सो माइनर पोजीशन सिर्फ और सिर्फ तब रिस्पॉन्सिबल होंगे जब उसने कोई सप्लाई ऐसे गुड्स की ली है विच आर कमिंग अंडर नेसेसिटी आइटम. नेसेसिटी का मतलब है कि वो एक जरूरी आइटम्स है तभी उसका पॉसिबल है, एल्स दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बच्चे, क्लियर? यस मैम, यस मैम. सो यस, माइनर अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड में प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है अगर वो उस टाइम पे साउंड है तो इट इज गुड, अगर वो उस टाइम पे अनसाउंड है तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, इट इज वॉइडेबल, राइट बच्चे? साउंडनेस. मैम एक बार फर्स्ट स्लाइड कीजिए काइंडली. एकदम फर्स्ट जो क्लास था, जो फर्स्ट एकदम स्लाइड था, वो मेन थोड़ा. हाँ स्टार्टिंग, यस मैम, मेन स्टार्टिंग. ये एकदम ओके, फर्स्ट था. ये फर्स्ट था, राइट? सेकंड. हाँ नहीं, फर्स्ट फर्स्ट ये क्लास नहीं था, फर्स्ट ये था बच्चे. जस्ट ए मिनट, ये यस फर्स्ट ये था बच्चे. तो ये भी आएगा ला, ये सब. पता होना चाहिए, पता यस मैम, इसी. होना चाहिए. ये था बिजनेस लॉ क्या है, राइट? ये मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट हमने डिटेल में, फिर वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था. हाँ ओके ओके, शुड आई मूव? जी. सो माइनर पोजीशन इज इम्पोर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज इम्पोर्टेंट. एक स्टेटमेंट मैं यूज करती हूँ, यू जस्ट फोकस ऑन टू इट. 5 मार्क्स में यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज. सो दैट्स व्हाई फ्रॉम द डे वन आई वाज टॉकिंग टू यू टू मेक ए नोट्स. एक सेपरेट कॉपी होती तो इट वुड हैव बीन नोटेड डाउन. एक दो टॉपिक जैसे नॉर्मल हुए हैं तब इट वुड नॉट बी सो मच प्रॉब्लमेटिक. अब आगे जो है यूनिट 2 आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा. आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो है उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि दिस इज नॉट लाइक आपका सिलेबस एक ब्रीफ सिलेबस है. प्लीज अंडरस्टैंड, सेल ऑफ गुड्स में मुझे यही टॉपिक आपको करवाने हैं. सो एज सच बहुत बड़ा होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, राइट? बट मुझे आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ गुड्स, कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटीज क्या होती हैं, राइट्स क्या है, रेमेडीज क्या है, ये 4-5 टॉपिक जब आप नोट करते हो क्लास में तो इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू टू नोट डाउन इन द एग्जाम ऑल्सो. तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर मेंटेनिंग नोट्स, अदरवाइज इन माई केस एवरी बच्चा, इवन इफ आई एम टेकिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थ्योरी सब्जेक्ट, माई स्टूडेंट्स आर जनरली मेंटेनिंग नोटबुक. नोटबुक इज वेरी मच फेमस इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द नोट्स. मैं भी नोट्स दे रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट जो आप अपने हाथ से लिखते हो दैट इज समवेयर एक्टिंग एज ए कम्पिटिटिव एज. आपका डबल बेनिफिट हो जाता है उससे, राइट? ओके, नाउ मूविंग फास्ट. माइनर पोजिशन इज इम्पोर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज इम्पोर्टेंट. अच्छे से कर लीजिएगा. यस ओके, नाउ माइनर के बाद फ्री कंसेंट. 5 केसेस मस्ट बी क्लियर विद अ डिस्टिंक्शन. कोर्जन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड क्या है,
मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, यहाँ तक तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये पढ़ना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको कंसीडरेशन पे ज्यादा फोकस देना है। नंबर थ्री, माइनर पोजीशन पे ज्यादा फोकस करना है। नंबर फोर, प्री कंसेंट पे ज्यादा फोकस करना है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाए हैं, तो ईच केस में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का केस है या अंडियो इन्फ्लुएंस का केस है। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस और थ्राइस सो दैट यू शुड हैव ए क्लियर कट आइडिया कि मैम इसमें जो क्वेश्चन में दे रही हैं कि इज इट ए क्वेश्चन दैट इज बीइंग यूज्ड और इज इट ए फ्रॉड दैट इज बीइंग यूज्ड, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे इन क्वेश्चंस को। राइट, आई एम मूविंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, सो यू हैव टू डिस्कस दिस। ओके ओके बच्चे, सो यस, दिस इज ऑल इन द वन पार्टी। एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, यस, इसको इसको इस तरीके से करिएगा कि तीन तीन पॉइंट्स हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अनलॉफुल एग्रीमेंट्स क्या होंगे, अगर किसी को मैरिज के लिए रोक दिया, ट्रेड के लिए रोक दिया, तो वो अनलॉफुल बन गए, बाकी सारे लॉफुल एग्रीमेंट्स हैं। इसी तरीके से वेजर एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट द लीगल कॉन्ट्रैक्ट, सट्टेबाजी का कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच वैलिड। राइट, सो अनलॉफुल एग्रीमेंट, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, यहां तक प्लीज अंडरस्टैंड कि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिस्चार्ज अगर आप छोड़ते भी हैं तो इट इज फाइन, राइट, क्योंकि मैंने दो ही पॉइंट करवाए हैं, तो इट इज फाइन अगर आप डिस्चार्ज का टॉपिक छोड़ते हैं, बट मेक इट अ पॉइंट कि यू आर रीडिंग अबाउट दीज टॉपिक्स ऑन ए मेजर बेसिस। सो अगेन आई एम फोकसिंग कि हाउ यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस। This is a basic question, right? Contract, agreement, promise, offer, acceptance. Contract किससे किसको बोलेंगे? Agreement और contract में क्या difference है? Right? और इसी तरीके से essential elements. This is very important question. Please understand. 9 points you have to learn it like this. कोई offer करेगा तभी accept होगा. Okay, offer and acceptance. फिर उसके बाद उनका एक इंटेंशन होना चाहिए कि yes, ये हम जो है कोर्ट से ये प्रूव करवाएं, एक एडवोकेट हायर करके उसको स्टैम्प पेपर पे ही लिखवाएं। फिर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई उनको माइंड में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी फ्री, मतलब वो सेम चीज को सेम तरीके से समझें। कंसीडरेशन मस्ट बी लॉफुल, राइट, उनकी कंसेंट इज फ्री, वो दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर। तो यहां तक मैंने आपको 7 पॉइंट्स तक कंप्लीट करवाया है। डिस्चार्ज अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इट इज फाइन, बट यहां तक आप अच्छे से कर लीजिएगा। इज इट क्लियर बच्चे? यस मैम। यस, सो इट इज नॉट द केस कि योर क्लास इज एंडिंग एंड आई एम नॉट अवेलेबल फॉर यू, आई एम अवेलेबल एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन टू माई व्हाट्सएप, ऑन टू माई फोन नंबर, एनी टाइम इफ यू फील सो। यस बच्चे, तो आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आपको मुझसे दोबारा समझना है, अभी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। Since it is your first exam, number one, since it is done online, number two, you have to be very cautious and precise. Why I am using this again and again? क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में लॉ जैसे पेपर में बहुत कुछ होता है लिखने को, बट अपने माइंड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही घुमाइएगा कि मुझे इतना लिखना है मीनिंग, इतना डेफिनेशन या इतनी एग्जाम्पल, दैट्स ऑल। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 15 मार्क्स का मत समझिएगा। It has to be limit-wise in the terms of page limit and time limit. 10 minutes से ज़्यादा एक question को मत दीजिएगा। When is my exam? Anybody please comment? 29 में। Yes ma'am. Okay. तो उस मेरे मेरे exam से पहले आपने कम से कम paper दे दिया होगा, है ना? 28 वाला दे दिया होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक speed का एक level जो है हर paper के लिए, I'm not saying for my exam only, हर paper के लिए आपको एक level रखना पड़ेगा, right? क्वेश्चन पढ़ा, 2 बार पढ़ा, क्योंकि मेरा केस स्टडीज टाइप होगा, मेरा थोड़ा एग्जांपल टाइप होगा, मेरा थोड़ा इनडायरेक्ट टाइप होगा, 2 बार क्वेश्चन पढ़ने में समझ आ जाएगा कि व्हाट दिस इज स्टेटिंग अपॉन, देन ट्राई टू राइट डाउन वेरी वेरी स्पेसिफिकली, वेरी वेरी कंसाइसली। एम आई क्लियर? ओके ओके ओके, सो एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क नाउ, और एनी टॉपिक यू फील दैट यू वांटेड टू आस्क इन बिटवीन दीज दिस वीकेंड, यू मे आस्क इट नाउ देन आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सएप कि मैम आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है या इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो यू कैन कॉल मी अप, यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप, आई एम देयर। इफ आई विल नॉट रिप्लाई इमीडिएटली,
डेफिनेटली आई विल बी चेकिंग 2 or 3 hours इन द व्हाट्सएप मोर, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता दूंगी. तो आपको मेरे को कॉल करना है या मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई टॉपिक समझना है, आई एम देयर. डोंट सी कि माई क्लास इज ओवर तो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर ए वीकेंड. आई एम देयर फॉर यू सिंस यू गाइज आर न्यू एंड यू डोंट नो वट काइंड ऑफ क्वेश्चन वुड बी देयर इन वट पैटर्न, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट द वे आई एम टेलिंग यू बी रेडी विद दैट टेम्पलेट. Mindset must be done in terms of time limit and page limit. Else, you will be losing your marks in terms of leaving one or two questions. So, इसलिए time limit जरूर अपने mind में clock लेके चलिएगा. Yes, Suruji. Thank you so much, बच्चे. Okay, बेटा. Okay, fine. Anything you want to say now? Thank you, ma'am. Okay. So, log in to MCRP. Thank you so much. Just be well prepared, read about these 5-6 topics. Your midterm will definitely go into a great manner. I am sure about it. Right? Okay, bachche? Thank you, ma'am. Thank you. Okay, all the best. Now log into MCRP and do your test. Okay, ma'am. Thank you.